तो इसका नाम है बुगी बुगी बुगु बुगी। अब इसको देख सकते हैं, बुगी बुगु बुगु बुगी 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 बुगु। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान, देवभूमि हिमाचल के जिले शिमला के एक छोटे से गांव में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो हम आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी सुबह के 7 बजे से, और हम आ चुके हैं खेत। खेत में हमने थोड़ा बहुत इधर रास्ता थोड़ा बहुत काट लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कितना काटने के लिए है। तो आप देख सकते हो ये वाला भी बहुत बड़ा खेत है परे तक, और ये वाला भी है। तो इधर से शुरू करेंगे हम, यहाँ से काटना, फिर ले के जाएगा हम पार तक इस खेत को, फिर नीचे वाला। तो आप देख सकते हो इधर सुअर ने हमारे लिए इधर थोड़ा घास रखा हुआ है, नहीं है क्योंकि उसने जो ये आगे आगे का घास था सारा का सारा निचली साइड के लिए पहुंचाया हुआ है, तो इधर घास नहीं लगा हुआ है। तो ताई भी पहुंच चुके हैं जी खेत, ये भी आ चुके हैं अभी अभी आ गया अभी। तो इधर देखो भाई, ऐसे ऐसे भी होते हैं कुंबर, इनके लिए कुंबर बोला जाता है, कुंबर। हाँ, इतने तेज होते हैं ना, जैसे इंजेक्शन लगता है ना वैसे ही ये भी लगता है। तो इधर खेत में ऐसा ही होता है कि जब भी शुरू करने से पहले हमारा यही हाल होता है कि कुंबरे हमारे को फंस जाते हैं, फिर ये ऐसे चुपते हैं तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि कोई सुई लगा रहा होगा, इतना वो होता है। तो आप देख सकते हो इधर मेरा तो पूरा हाथ भी हुआ, ये ग्लव्स भी अंदर अंदर के लिए जा रहे हैं। और इधर बढ़िया मस्त वाली धूप भी लग चुकी है, और यहाँ पे एक पेड़ है जिससे मुझे छाया मिल रही है हमारे को इधर। तो आप देख सकते हो मेरे से पीछे हमने वहाँ पर तक काट लिया है घास, अब रहा है जी हमारे बहुत, शायद पर कल हम यहाँ से ख़त्म हो जाए। सकते और फंस चुके हैं जी मम्मी को, हमारा एक पूरा निकालने के बाद हमारे को बैठना पड़ता है, सॉक्स में भी फंस चुका है, इधर भी देखो, और मेरे हाथ तो आप देख ही सकते हो, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चुबाया है मैंने इन हाथों में। ऊपर से देखो जी धूप भी ऐसी चमकी हुई है अभी, पूछो ही मत, इतनी तेज है। तो यहाँ तक हमारे को छाया थी, यहाँ तक हमने अभी कर दिया है, मतलब कि जितना भी हमने यहाँ से परे गई इतना हमारे को छाया ही थी, जैसे ये वाले पेड़ ने हमारे को छाया दी हुई थी। तब यहाँ से परे जो भी करना है हमें, छाया बिल्कुल भी नहीं होगी हमारे लिए। अब चले जी हम लोग घर, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:51, और धूप बहुत तेज चमक गई है इधर। तब सोच हम घर चल जाते हैं, पेट पूजा करते हैं, और इधर मुझे घास वगैरह लगाना है। तो इधर देखो घास तो हमारे को गाय के लिए लेके ही जाना होता है, तो इधर मैंने डाले हुए जी 3 पूड़े ओनली, तो मम्मी ने भी 3, मैंने भी 3, तो 6। तो शाम के टाइम पर हम इतना ही ले जाते, तो हमारी गाय इतना ही खाती है। अब चलते हैं हम घर की ओर। तो इधर मम्मी भी उठ चुके हैं घास लेके, चलो तो आप चलो आगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है क्योंकि इधर
सांप बहुत होते हैं, मिले तो एक भी नहीं, पर जो मिला हमारे को कहाँ मिला, उनको मिला ताऊ गरा। हाँ वो उनको मिला था ताऊ गरा को, हमारे को नहीं मिला अभी तक। तो इधर हम पहुंच चुके हैं जी घर में, और हमने इधर रख लिया है। और ऊपर देखो भाई कितना बड़ा बादल आ चुका है, बहुत बड़ा बादल आ चुका है इधर से, और अरे परे से भी बादल ही आ रहे हैं। इधर आप देख सकते हो, इधर रखी हुई है जी धूप में ये बालड़िया, तो इधर को है राजमा, और इधर डाली हुई है बालड़िया। तो इधर पहुंच चुकी हूँ जी मैं नए घर में, और यहाँ पे बड़ी मस्त ठंडी ठंडी छाया होती है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जी इधर अपनी रसोई में, आप देख सकते हो मेरी रसोई क्या बनाया। तो इधर दादी को देखो आप, सब्जी किस चीज़ की, गोभी शिमला मिर्च मिक्स है, मतलब के चुका है जी। लंच में है आज पत्ता गोभी, भिंडी और शिमला मिर्च। इधर भटूरे, इधर दही है, इधर पानी है। तो मेरा लंच हो चुका है और अब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, और अभी टाइम हो रहा है 10:54, और अब उठूंगी मैं बढ़िया से 2 बजे, तब गाइस सो जाती हूँ, रेस्ट भी जरूरी होता है। मैं सो के उठ चुकी हूँ, आप मेरी हालत देख रहे हो, इधर मेरे बाल तो देख ही रहे हो, ये कटे हुए सारे बाल आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे कुछ बनानी होगी। मुझे ऐसी आवाज आ रही है बाहर से कि जैसे बारिश शुरू हो चुकी है, इधर वो तो साफ दिख रहा है। ओहो, तो गाइस इधर ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उधर को देखो कितना मौसम खराब हो चुका है, ये है वह सोने के बाद का नजारा इधर का। सबसे पहले मुझे ये उठाना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसको रखूंगी मैं यहाँ पर। इधर आप देख सकते हो कितनी कितनी पानी की बूंदें आ चुकी है इधर। धूप भी लगी हुई है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। देख सकते हो इधर का मौसम कैसा है, इधर लगी हुई है जी धूप और इधर से मौसम साफ है, तो आप देख सकते हो सूरज जी भी हमारे को दिख रहे हैं। और इधर से देख सकते हो आप, इधर से हो चुका है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, और तो उधर से भी देख सकते हो आप, उधर से भी मौसम ख़राब हो चुका है, और उधर से लगी हुई है जी धूप, उधर से मौसम साफ है, तो अब देखते हैं कितनी बारिश होगी। एक दो सेब डालती हूँ जी खेत के लिए, साफ 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 साफ, तो आप देख ही सकते हो कि कितने साफ साफ है ये। तो गाइस मैं चल पड़ी हूँ जी खेत, अभी वैसे धूप तो लग चुकी है, बारिश भी रुक चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं खेत, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं, क्योंकि उधर से साफ है मौसम, तो शायद नहीं हो सकती ऐसा लग रहा है। तो मम्मी थोड़े आगे जैसे चले गए, मैं मम्मी से थोड़ी पीछे हूँ, अगर बारिश होगी भी तो वापस आ जाएगी, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा। तो हम पहुंच चुके हैं जी खेत, और इधर जो हमने घास काटा हुआ है और मम्मी ने, हमने मतलब ऐसी तरह रखा हुआ है नीचे, फेंक के नीचे रखा हुआ है पूड़े पूड़े करके। तो अभी हम पहले ये सोच रहे कि सबसे पहले हम इनको पेड़ में लगाएंगे, क्योंकि बारिश अभी भी नहीं रुक रही है, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है,
तो सोच रहे ज्यादा ना आए भीग जाएंगे, इसीलिए अभी हम इनको लगा रहे हैं जी पेड़ों में। पेड़ों में इस तरह से सूख जाता है, जैसे गीला भी होगा तो फिर बाद में सूख के पानी में लोग सूख ही जाएगा। आप देख सकते हैं बारिश हो चुकी है और मम्मी की जैकेट भी भीग चुकी है, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम घर जाए या इधर ही बैठे किसी पेड़ के नीचे। अभी हम सोच विचार ही कर रहे हैं क्या करें, क्योंकि उधर से मौसम साफ है। उधर को देखो, आप देख रहे होंगे उधर से, इधर को तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा खराब है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं क्या करें, क्या करें मम्मी, गाय के भीगे बेशक गाय के लिए लेके जाना है। तो यहाँ मैंने निकाल दिया एक पूरा पर है, एक पूरा मैंने निकाल दिया था। वैसे मैं जल्दी करती हूँ। तो इधर देखो इतना गीला हो चुका है, तो मेरा ग्लव्स भी भीग चुका है, इधर मेरी दराटी भी भीग चुकी है। तो गाइज अब कर रहे हम रेस्ट, और अब हो चुका है हमारा दोपहर खाने का टाइम। तो दोपहर में आज मेरे को घी शक्कर, और मम्मी खा रहे हैं सब्जी जो सुबह की बनाई हुई थी, मिक्स सब्जी, तो वो खा रहे हैं। तो आप सब ने भी इस तरह से खाया होगा, तो इसके अंदर घी और शक्कर डाला हुआ है। हम तो ऐसे ही खाते हैं भाई, खेतों में तो ऐसे ही खाया जाता है, पर आप सब ने भी खाया होगा, क्या पता लगता है। तो इधर बारिश तो अब रुक चुकी है, तो आप देख सकते हो ऊपर मौसम थोड़ा थोड़ा है, तो पूरा ख़राब है पर बारिश नहीं हो रही है। तो हमने इधर से काट लिया है घास, अब रहा हमारे नीचे वाला खेत, ये पहुंचाना है यहाँ से पार के लिए, सुबह पार से इधर के लिए, अभी शाम को यहाँ से पार के लिए। तो इधर देखो मम्मी, मम्मी ने भी शुरू कर दिया है खाना। पियो पानी पी रहे थे आप, तो शर्मा क्यों रहे अब? नहीं हाँ शर्मा रहे हैं। तो अब हम भी, मैं भी कर देती हूँ शुरू। तो गाइस आप इनको देख रहे होगे, ये पता नहीं क्या, हाँ पता नहीं क्या बोलते होगे इनको। तो इनको इनके साथ करते हैं जी अभी हम छेड़छानी। अभी देखना, ये जैसे बकरियां भागती है ना, वैसे ये भी भागेगी। चिक चिक चिक। इनने ना ये झुंड सा बनाया होता है, ये इसी में ही जाती है, तो मैंने इनका ये झुंड खराब कर दिया बेचारिया। फिर बाद में ये और ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, अभी तो ये ऐसी भागी है, बाद में दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी। तो देखना आप, इनको धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है। उधर देखो मम्मी ने कर दिया है जी घास काटना शुरू, और इधर हो चुका है जी आसमान भी साफ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आई हुई है जी वो ही बिल्ली जो कल भी आई हुई थी खेत, पता नहीं किसकी बिल्ली है। इधर ना ये ढूंढ रही है चूहे या सांप वगैरह जो भी इसको मिले, वो इधर ढूंढती रहती है। तो अब खाते हैं जी हम एप्पल, एप्पल लेके आई हूँ तो खाना तो पड़ेगा ही। ये भी उधर नीचे वाले खेत में भी घास काट रहे हैं, उधर मम्मी पीछे होके काट रहे हैं। मैंने जो आगे आगे का घास होता है इसके लिए हमारे बील बोला जाता है, तो मैं बील में घास काट रही हूँ, और मम्मी पीछे पीछे वाले के लिए झाट बोला जाता है, तो मम्मी पीछे झाट में घास काट रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर मतलब यहाँ पर लास्ट पेड़ जैसा दिख, सेब का पेड़ दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, वहीं जाके बताऊंगी आपको। तो हमने ये घास काट दिया है वहाँ पर तक, और वहाँ से हमारे सिर्फ थोड़ा सा रहा था जहाँ ये चील के पेड़ दिख रहे हैं, और इतना ज़्यादा रहा था, सिर्फ आधे घंटे का और था, पर क्या करें अब हम घर जाना होगा, अब हम नहीं काट सकते।
तो इधर से हमने ये दो खेत कर दिए हैं जी कंप्लीट। इधर मम्मी लग चुके हैं जी भट्टू लगाने, और मेरे पास भी लगा दिया, मेरे पास परे वाला है, ये वाला मम्मी के पास के लिए है। तो इधर हो रहे हैं जी ऑस्कर के दर्शन तीसरे दिन। कहाँ गया था पहले ये बोल, तो इसका कोई अता पता नहीं होता, ये तीसरे दिन घर पहुंच रहा है आज, तो अभी अभी पहुंच रहा है ऐसा लग रहा है इसको देख के। ओए ओ, तो इधर देख सकते हो ये है ताई की गाय, दोनों गाय, तीसरा बछड़ा। इधर करेंगे हमने कौन, क्योंकि आज मेरे लिए पानी पहले से गर्म करके रखा हुआ है, तो मैं भी नहा जाऊंगी। तो आप उधर को देख सकते हो, वहां पर सनसेट हुआ है, तो वहां पर बादल रेड रेड हो चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ नहा धो के फ्री, और अब करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद जाती हूँ डिनर करने। तो आज डिनर में बना हुआ है जी मिक्स दाल चावल। तो इधर पहुंच चुका है जी मेरा दूध भी। तो गाइज मेरा डिनर हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ रूम सोने, और इधर मेरे बाल वगैरह भी सूख चुके हैं, थोड़े थोड़े रहे हुए हैं सूखने के लिए, बाकी सूख चुके हैं। तो आज के व्लॉग को करती हूँ जी मैं यहीं पे ही एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर करें। बाय बाय गाइस।